हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज फटाफट से मैं आकर के आ गई हूँ किचन में, क्योंकि आज ये सोमवार और मैंने पशुपतिनाथ के व्रत लिए हैं। काफ़ी दिन से मेरे मन में थी ये व्रत करने की, लेकिन कोई ना कोई आड़ लगी जाती थी जिससे व्रत हो नहीं पाता था मेरे से। लेकिन फाइनली आज मैंने ये व्रत ले ही लिया है सोमवार के दिन। तो आप लोगों के साथ भी मैं ये व्रत शेयर करने वाली हूँ एंड ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ, एंड आप ये ब्लॉग एंड तक ज़रूर देखना। और अभी मैं भगवान की पूजा की थाली जमा रही हूँ फटाफट से, क्योंकि 9 बज चुके हैं, सुबह के पूजा करने के लिए भी जाना है मुझे। बाहर का काम किया तब तक थोड़ा लेट हो गई मैं। तो आप लोग एंड तक देखना एंड मुझे बताना कि कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई या फिर पूजा मैंने सही से की या नहीं की। तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो ब्लॉग के साथ एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। हेलो एवरीवन, तो आज तो मेरे पशुपतिनाथ का व्रत, और आज मैंने वैसे फर्स्ट बार किया, मैंने व्रत कभी पहले कभी किया नहीं है। तो आज अभी दोपहर के जस्ट मैं पूजा करके आई थी, सुबह मॉर्निंग में 9 समथिंग मुझे मैं पूजा करने के लिए गई थी और आई हूँ। अब घर पे खाने की तैयारी चल रही है, तो भिंडी की सब्जी बनी है इधर, और इधर थोड़ा सा बूंदी का रायता बना रही हूँ मैं। बूंदी या फिर सोच रही हूँ कि चिल्ले का बना दूँ, तो ऐसे कुछ करके रायता हो जाएगा और सब फिर व्रत भी खोलेंगे। लेकिन मेरा तो शाम को भी खुलेगा, शाम को वापस से पूजा करके भी आना है। तो फर्स्ट व्रत था इसलिए मैंने ब्लॉग शूट किया, और आप लोग भी करते हो क्या पशुपतिनाथ के व्रत, कमेंट में ज़रूर बताना मुझे। तो यहाँ पर हो रही है ये रायता बगाड़ने की तैयारी, और इस दीपक से मैं रायते को बगाड़ूंगी। तो इसको बड़ा अच्छे तरीके से गर्म करूँगी। आप कैसे से रायता छाछ जो भी बगाड़ते हो ना, तो कैसे ऐसे बगाड़ते हो जो। तो ये हमारे नुबरे हैं, और उस दीपक से मैं अपने रायते को मैं छोंक लगाऊंगी। तो आप लोग कैसे छोंक लगाते हो तो कमेंट में ज़रूर बताना मुझे। बहुत सारे कोयले से भी लगाते हैं, बहुत सारे घी जीरा करके लगाते हैं, लेकिन मैं आज अलग तरीके से लगाने वाली हूँ इस दीपक के ज़रिए। तो देखते हैं कि कैसा टेस्ट मिलता है रायते का। हेलो एवरीवन, तो अभी मैं वापस से जा रही हूँ भोलेनाथ की पूजा करने के लिए, और मैंने प्रसाद बना दिया है, आप देख सकते हैं। मैं आपको बैक कैमरा करके बताती हूँ। तो अभी शाम के 6 बज रहे हैं और वापस शाम को पूजा करने के लिए जाना है। तो प्रसाद वापस पूजा की थाली जो सुबह थी वही शाम को लेनी पड़ती है। तो प्रसाद सिर्फ लिया मैंने प्रसाद बना के हलवे का, और 6 दीपक लिए जो 5 होकर के आऊँगी और 1 घर पर लाऊँगी। तो मैं आपको बैक कैमरा करके बता देती हूँ। देख सकते हैं आप, मैंने हलवे का प्रसाद बना दिया है और 6 दीपक ले लिए हैं, और
घी, इनमें घी डाल के वहीं दीपक करने अपने को, यहाँ से नहीं। और ये जो हलवा अपन बनाते हैं ना, उसका भी हमें वहीं भोग लगाना है और वहीं पर ही 3 बाग करने हैं। घर पे कोई नहीं करके ले जाना है, सिर्फ एक बार ये जो हम प्रसाद ले जाते हैं वो बना करके यहाँ ले जाने के बाद सब वहाँ मंदिर में होगा इसका 3 बाग में, जो 2 वहाँ चढ़ा के आने हैं और 1 वापस घर पर लेकर आना है। तो मैंने प्रसाद बना दिया है और इस प्रसाद का मतलब भोग वहीं लगाना है और वहीं पर ही 3 भाग होंगे। 2 भाग भोलेनाथ को चढ़ा कर आएंगे, 1 भाग घर पे लाऊंगी मैं, जिसको मैं ही खाऊंगी और किसी को नहीं देना है मुझे। और उसके बाद खाने के बाद मैं व्रत में खाना खा सकती हूँ, बाद में मुझे व्रत खोलना है। तो प्रसाद बन चुका है और अब मैं जाते हैं पूजा करने के लिए। और हाँ, एक चीज़ बताना भूल गई मैं कि शाम को शायद स्नान करके नहीं जाते हैं, सुबह स्नान करके जाते हैं। जो जाते हैं इस व्रत में ये है, सब बोलते हैं कि ऐसे कि शाम को स्नान करके नहीं जाते, बिना स्नान के ही पूजा होती है। सिर्फ पूजा की जो थाली जो सुबह ले जाई गई होती है ना, वही शाम को ले जानी पड़ती है। तो बिना स्नान किए जा रहे हैं हम लोग और सब तैयारी हो चुकी है, तो अब मैं जाती हूँ पूजा करने के लिए। शंभु शंभु महादेवा, शंभु 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 महादेव, हर शंभु 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 महादेवा, शंभु 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 महादेव, हर शंभु 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 महादेवा, शंभु 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 संसार सारं भुजगेन्द्र हारं, सदा बसंतं हृदयारविन्द, भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगारं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्र हारं, घर से मैं 6 दीपक लेकर के गई थी। 5 दीपक मैंने वहाँ जला दिए और 1 दीपक बिना जलाए हुए घर पर लेकर आई मैं। और घर पर आते ही घर के राइट साइड में मैंने ये दीपक यहाँ जला दिया था और जो भी अपनी इच्छा थी वो मैंने यहाँ पर कह दी भगवान भोलेनाथ को, पशुपति का नाम लेकर। फाइनली व्रत की विधि पूरी तरीके से कर ली मैंने और अभी जस्ट घर पर आई हूँ। 7 बज चुकी हैं, दीपक भी जला ही दिया है बाहर और अब व्रत खोलना है। तो अब जो प्रसाद था वो खाना है मुझे भोग का, उसके बाद व्रत खोलेंगे। तो पशुपतिनाथ का व्रत ऐसे हुआ, फर्स्ट बार किया है तो काफ़ी थोड़ी बहुत तो भूल चूक भी हुई है मेरे से, लेकिन कोई बात नहीं, कहते ना भगवान भूल चूक माफ़ करते हैं। और बहुत मन में थी मेरे ये व्रत करने की कि मुझे करना है करना है, तो फाइनली आज ये व्रत मेरा हो ही गया है। तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताना कि आप लोग भी ऐसे ही व्रत करते हो क्या पशुपतिनाथ का। और अब मैं जाऊँगी खाना वगैरह बनाऊँगी, उसके बाद तो रूम में काफ़ी ज़्यादा बिखेरा हो रहा है तो उसको भी साफ़ करना है। अभी तक कानून नहीं आ रहा, उससे पहले फटाफट से रोटी बना देती हूँ मैं, क्योंकि वो आ जाएगा तो फिर 1 घंटा वैसे लेट कर देगा वो मेरे को। तो मैं एक बार फटाफट से खाने की तैयारी कर लेती हूँ। तो घड़ी में अभी रात की 11 बज चुकी हैं और मैंने रूम ठीक नहीं किया क्योंकि मौका ही नहीं मिला, तो मुझे लगा आप लोगों से बात कर लूँ थोड़ी देर, क्योंकि आज व्रत था और मैं लखन जी का वेट कर रही थी खाना खाने के लिए। तो वेट करते करते हमें 10 बज गई और फिर वो आए, फिर खाना वगैरह खाया, पीछे का जो भी काम था वो वापस से किया, बर्तन वगैरह। और अब कानू वापस मस्ती करने लग गया है तो रूम ठीक होना तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैं ठीक करूँगी तो ये आ जाएगा पीछे पीछे भी खेरा करने के लिए। तो सोचो थोड़ी देर ऐसे बैठ के बातें बातें कर लेते हैं। चुटु आ रही है, वहाँ करके आ जाओ वॉशरूम में। तो कैसे आता है, फिर बाहर बिगाड़ दी बेटा। अरे राम, बात अच्छी लग रही है मम्मा। माँ का तेरी माँ।
तो हाँ, हम बात कर रहे थे कि मैंने सोचा कि आप लोगों से थोड़ी देर बातें कर लूँ बैठ के, क्योंकि और तो कोई काम करने से रही मैं। तो बहुत सारे मुझे कमेंट्स आते थे कि दीदी आप डेली ब्लॉग लाइव क्यों नहीं करते हो। तो मैंने पहले ब्लॉग डाला था, आपने लोगों ने देखा ही होगा, टाइम बिल्कुल मिल नहीं पाता है ब्लॉगिंग करने का। और अभी घर में अकेली हूँ, वैसे तो ऐसे ब्लॉगिंग करना, फिर घर का काम और फिर बाबू का, तो सब एक साथ से इतना ही बैठ पाता है मेरे से। तो जितना होता है उतना मैं कर लेती हूँ। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट भी करना, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल को 3 बार काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई थी और अब वाला जो चैनल है वो परफेक्टली सही है, क्योंकि पहले शायद लखन जी की कुछ गलती की वजह से एडसेंस 2 बन गए थे, जिसकी वजह से पैसे बन नहीं रहे थे। और गूगल से जो अपने को जो कोड आता है ना एडसेंस, वो आया नहीं था मुझे नहीं पीना बेटा पानी, तो उस वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो गई, तो चैनल डिलीट करवाना पड़ा मुझे। और तो वापस से मैंने नया चैनल बनाया है, दोबारा से मेहनत भी बहुत काफ़ी ज़्यादा लगी। तो आप लोग से हाँ पियो आप लोग से काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितना हो सके उतना प्यार एंड सपोर्ट करना, एंड ब्लॉगिंग आपके लिए लाती रहूँगी अच्छे से अच्छे ब्लॉगिंग। और फिर नेक्स्ट ब्लॉग क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज़ वाला लगने वाले हैं, उसमें अपन क्वेश्चन आप लोग के मन में जो भी सवाल है वो करना, मैं उनके आंसर्स दूँगी आप लोगों को। तो वो वाला भी बहुत जल्दी ब्लॉग लाइव करेंगे। और ये वाला ब्लॉग कैसा लगा एंड मेरे व्रत कैसा लगा आपको, पशुपतिनाथ का आप लोग भी करते हो या नहीं करते हो, क्या ऐसे ही करते हो, यही विधि है, तो सारी चीज़ भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड जितना हो सके उतना प्यार एंड सपोर्ट देना। थैंक यू सो मच। और ब्लॉग का एंड भी मैं यही करने वाली हूँ। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।